सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या बातचीत हुई। वैश्मपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुँचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का समय अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके महात्म का और ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन होया था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान उपदेश किया था, वह गीता सुनाई थी, वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बार बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जलती द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वो गीता का ज्ञान ईब सुना जब तबरी गिगीबंदरी थी, डर रहा था। यो वैश्मपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उसमें मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी ना समझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा समन होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का तू दुहराना देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। देखो रे भक्तो, कमाल की बात है। अब क्या है कि जैसे भूत यहाँ हम देखते हैं, आप भी देखोगे, कुछ ऐसे प्रेत आते हैं, किसी की आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं और वो पता नहीं क्या क्या बात कहता, मैं ऐसे था, मैंने ऐसे कर दिया, मैं वहाँ जन्मा था, मैं ऐसे करता था, और वो जब निकल जाता है उसके शरीर से, बॉडी से, तो उस व्यक्ति को जिसमें वो भूत प्रेत बड़ा हुआ था, प्रवेश था, उसको और ही बताते हैं कि तू न्यों बोल रहा था, तू ऐसे बोल रहा था, तेने ऐसे ऐसे कहा, उसने नहीं पता क्या कहा, वो औरों के सुनने के बाद फिर उसको थोड़ा बहुत आभास होता है कि मैंने कुछ कहा था, पर याद ना रहता उसका कुछ भी। तो ऐसे श्री कृष्ण को औरों ने बताया कि आपने गीता ऐसा ऐसा ज्ञान दिया था युद्ध में, और वो दे गया काल, फिर निकल गया। अब श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन कह रहा है कि भगवान, वो गीता का उपदेश मुझे ज्यों का त्यों सुनाना, फिर सुना दीजिए, मैं भूल गया। और कृष्ण जी कह रहे हैं, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं, तू श्रद्धाहीन है, तू अच्छा व्यक्ति नहीं है, तूने क्यों नहीं याद रखा। और फिर कहता, मेरे तो भी याद नहीं मुझे क्या कहा था, मैं ज्यों का त्यों मैं नहीं सुना सकता। उसने तो डांट मारा है, कितने याद क्यों नहीं रखा, और बोलने वाला वक्ता ने कहा मेरे याद नहीं। अब इस दास ने सत्संग किया आज ये 3 दिन का, आप 10 साल पाछे पूछ लियो जी वो विषय सुनाना, आपने उस दिन सत्संग किया था, ये टॉपिक थे, 2 मिनट में सुना दूंगा। आज जो पहली बार ये सत्संग सुन रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा 40% याद रहेगा, 60% याद नहीं रहेगा एक बार सुन करने से। और मैं ये कहूँ मुझे तो याद नहीं, तूने याद क्यों नहीं रखा, तो ये बात विपरीत है। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी में वो काल प्रेत की वत बोल कर ब्रह्म
ये छर पुरुष सारा अनर्थ करवा के निकल गया और ये सारा जुल्म करवा गया। और ज्ञान परमात्मा के आदेश से परमेश्वर कबीर जी के रिमोट से इसने अपने आप को काल भी बोल दिया। इसका यह समझ में ना एक बन्ने भी काल कह दिया, अपने आप को सच्ची बता दी। और ये भी कहलवा दिया कि वो परमात्मा कोई और है ना, तो यो तैसा कसूता काम कर रहा था, किसी की बुद्धि नहीं खुलन देता। परमेश्वर ने अपने पाने के लिए, अपने बच्चों को, अपने आप को अपनी शरण में लेने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए पुण्यात्माओं पूरा प्रबंध कर रखा है और इन्हीं से करवा रखा है। ये पुराण लिख रखे लिखे हुए हैं जिनके विषय में आज तक नहीं बता सके। ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता कौन हरि में स्पष्ट लिखे हुए हैं। अब परमात्मा कहा करते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्मे उनको फेरा मोतिया बंदरे। बोलो सतगुरुदेव जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, कुल के मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, ये हम सब आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं। और हम सभी आत्माएं यहाँ काल के जाल में फंस चुके हैं। हम अपने मूल स्थान को भूल चुके हैं। हम कहाँ थे, कहाँ से आए हैं और हमारा यहाँ क्या उद्देश्य है, हम अपने मूल उद्देश्य से परिचित नहीं हैं। हम यहाँ कैसे आए, ये कोई जीवन है, ये कोई स्थान है? आप जरा सा विवेक से सोचोगे, परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी में झांकोगे, ध्यानपूर्वक देखोगे, सोचोगे, तब आप जी को परमेश्वर के तत्व ज्ञान की रोशनी में इस काल के जाल का ये स्पष्ट षड्यंत्र नजर आवेगा। इसने हम सभी प्राणियों को भूल भुलैया में रखा हुआ है, पूर्ण रूप से अज्ञानी बना रखा है। हम जीव संज्ञा में बना दिए और पूर्ण परमात्मा की पहचान भी समाप्त कर दी, नामो निशान मटवा दिया। पुण्यात्मा परमेश्वर की रजा से आप जी को ये ज्ञान हो रहा है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए थे और हम यहाँ कैसे फंसे हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने ये यथार्थ ज्ञान स्वयं आकर बताया हमको कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मेरे अंसा बाई अंश रूप था जब तू आया, मेरे अंसा बाई अंश रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूलिया तू ताते जीव कहाया, मेरे अंसा बाई अंश रूप था जब तू आया। पुण्यात्मा हम सतलोक के अंदर निर्विकारी थे, राग नहीं था, द्वेष नहीं था, हाहाकार नहीं थी, क्योंकि वहाँ हमारा शरीर नाड़ी के योग से नहीं बनता सुक्रम अकायम। जैसे परमात्मा का शरीर भी सुक्रम अकायम, असनाविरम, अवर्णम, वो स्वयं भू है, परिभू है, और हम परमात्मा के द्वारा बनाए गए प्राणी हैं, आत्मा हैं, रची हुई उनके द्वारा उत्पन्न की गई हम आत्मा हैं, और हमारा वहाँ हंस रूप में जीवन है और मनुष्य सदृश शरीर है। हम सभी आत्माओं का वहाँ सतलोक के अंदर हमारा भी मनुष्य सदृश शरीर है, एज इट इज।
लेकिन हमारा मटेरियल ऑफ बॉडी, इस शरीर का जो मटेरियल है वो पांच तत्व नहीं है, केवल नूरी तत्व है। परमात्मा का भी शरीर नूरी तत्व का है। हम वहाँ परमात्मा के साथ अविनाशी शरीर में रहते हैं। परमात्मा परमेश्वर का शरीर बहुत अत्यधिक शक्तिशाली है। वो उनका शरीर क्या तेज, उनके शरीर का नूर, उनका सामर्थ्य। सतपुरुष का सतलोक के अंदर इतना नूर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी मिली जुली रोशनी भी परमेश्वर के एक रोमकूप के नूर से फीकी है। अब परमात्मा भी वहाँ मनुष्य सदृश है, तेजो में शरीर युक्त है, नूरी शरीर है उस परमात्मा का। इसलिए वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर एक में अग्ने तनुरसी और अध्याय नंबर एक के मंत्र नंबर 15 में अग्ने तनुरसी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में अग्ने तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। अग्ने शब्द इसलिए प्रयोग किया गया कि परमात्मा का नूरी शरीर है, बहुत तेजोमय शरीर है। उसकी तुलना आपको बता दी कि एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी उनकी फीकी पड़े है। और दूसरा जो है, हम सभी प्राणियों का वहाँ शरीर 16 सूर्य जितने प्रकाश युक्त है। 16 सूर्य का नूर इतना प्रकाश हो लेकिन गर्मी ना हो, इतना तेज प्रत्येक आत्मा का है। वहाँ आत्मा को जैसे यहाँ मनुष्य कहते हैं, वहाँ हंस कहते हैं। वहाँ हम हंस रूप में होते हैं, उनको हंस कहते हैं, क्योंकि जो पुण्यात्माएं यहाँ विकार रहित और भक्ति युक्त हो गई वो सतलोक चले जाते हैं। और सतलोक जाने के बाद ये सब शरीर यहाँ, ये काल तक के जो जितने भी आवरण हमारे ऊपर हैं ये सब यहीं रह जाते हैं। और सतलोक में परमात्मा हमें अमर चीर देता है, अमर शरीर देता है। तो उसका जो नूर होता है 16 सूर्य जितनी रोशनी होती है। और वहाँ जाने के बाद न जरा होता है न मरण होता है। जरा बिन वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा। हम सतलोक के अंदर सभी प्राणी रहा करते थे, वहाँ हमारा जरा और मरण नहीं होता था। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता कह रहा कि अर्जुन, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ, क्या ज्ञान दे रहा है कि यदि तूने मेरी साधना करनी है तो मेरा एक ओम नाम है, और उस ओम नाम का अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ और मुझ में ही आस्था रखेगा तो मुझे प्राप्त होगा, मेरे काल के जाल में ही रहेगा और ब्रह्म लोक प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी है, मेरी भी रहेगी, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, गीताजी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में। और गीताजी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में भी यही कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, अर्थात पहले भी जन्म जन्मे थे तू और मैं, आगे भी अपना जन्म होगा, ये ना सोच कि हम अभी अभी जन्मे हैं, अभी वर्तमान है। गीताजी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। और गीताजी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, और भी बहुत से स्थानों पर उस अविनाशी परमात्मा के विषय में जानकारी है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। कहता मेरी शरण में रहना है तो जन्म मृत्यु सदा रहेगी, और जरा और मरण, बुढ़ापा भी होगा मृत्यु भी होगी। और क्या सलाह